नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की खट्टी मीठी और खूब चटपटी सी कद्दू की सब्जी। और ये सब्जी इतनी लाजवाब बनेगी ना कि कद्दू ना खाने वाले भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। अब कद्दू या पम्पकिन की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए पम्पकिन। तो यहाँ बिल्कुल छोटू सा मैंने पम्पकिन लिया है, बहुत ही फ्रेश है। बिल्कुल इस तरीके का टेंडर पम्पकिन लीजिए तो उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और ये एक लगभग आधा किलो का पम्पकिन होगा। और इसका मैंने इस तरीके से ये टिप निकाल लिया है, डंठल वाला पोर्शन निकाल लिया है। और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है इसलिए मैं इसके जो छिलके हैं वो नहीं निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो छिलका भी निकाल सकते हैं, पर बिल्कुल फ्रेश है इसलिए मैं इसका छिलका नहीं निकालने वाली हूँ। और अब देखिए, इसमें जो सीड्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट से और छोटे छोटे से दिख रहे हैं, पर इसको हम निकाल देंगे क्योंकि कद्दू के कितने भी सॉफ्ट सीड्स हों या छोटे सीड्स हों पर वो सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैंने इनको निकाल देना है। और छिलका तो विटामिन से भरपूर होता है इसलिए उसको हम रहने देंगे, क्योंकि बहुत ही नरम सा छिलका है इसका। तो कद्दू की सब्ज़ी खाना चाहिए क्योंकि कद्दू जो होता है गुणों से भरपूर होता है। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, डायबिटीज़ के रोगियों को इसको खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आँखों की रोशनी के लिए ये बहुत अच्छा होता है, साथ में हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे फ़ायदे मैं इसलिए गिना रही हूँ कि जो लोग कद्दू नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू करें और इस तरीके से बनाएं तो सभी को कद्दू बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, बातों में मैंने कट कर लिया है, अब इसे बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला। तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाला। तो मेथी दाना ज़रूर डालिएगा इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ में 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट पंचफोरन भी ऐड कर सकते हैं। और अब एक साबुत लाल मिर्च मैंने ली है सूखी वाली, इसको इस तरीके से हाथों से क्रश किया और इसे डाल देंगे। तो एक तो इससे लुक बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने और 1/2 इंच अदरक मैंने ग्रेट करके रखा था उसे भी डाल दिया है। सबको हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तो मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैंने ज़्यादा डाली है, आप कम डाल सकते हैं। अब 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया। इनको हल्का सा सेकेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे मसालों को सेकना है वरना ये जल सकते हैं। और इसके बाद इमीडिएट हम इसमें ये हमारे कटे हुए पम्पकिन्स को मिला देंगे। तो बस बहुत आसान सी सब्जी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। नमक भी इसी स्टेज में डाल देंगे ताकि ये पम्पकिन्स बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। पानी ऊपर से नहीं डालना है क्योंकि इसमें खुद का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसी में आसानी से पक जाते हैं। और नमक भी कम ही डालिएगा क्योंकि पम्पकिन जब बन जाती है सब्जी तो बहुत थोड़ी सी रह जाती है, ये बिल्कुल मॉइस्चर रिलीज कर देता है। तो फिर नमक ज़्यादा लगेगा अगर आप शुरुआत में ज़्यादा डाल देंगे। तो मैंने अब इसको ढक दिया है और ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। और ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट के बाद मैंने खोला ढक्कन को, तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, लगभग पूरे ही सॉफ्ट हो चुके हैं ये कद्दू हमारे। और अब इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर खटाई के लिए मैंने यूज़ किया है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ये गुड़ को ग्रेट करके रखा है, इसे मैं डालूंगी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और खटाई की जगह, अमचूर पाउडर की जगह आप इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मैं खुली आँच पर ही थोड़ी देर पका लूँगी, अब इसको ढक के नहीं पकाना है क्योंकि ये पम्पकिन तो वैसे ही सॉफ्ट हो चुका है। और एंड में अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला 1/2 टीस्पून और साथ में खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती। तो लीजिए, हमारी ये झटपट सी चटपटी मसालेदार खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बनी है। और देखिए, बनने के बाद ये श्रिंक हो जाती है इसलिए नमक बहुत हिसाब से डालिएगा वरना ये ज़्यादा हो जाएगा एंड में। अब इसको चूंकि हमने धनिया पत्ती गरम मसाला डाला है तो ढककर 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो अब बस इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। देखिए, देखने में कितनी शानदार लग रही है और खाने में तो उससे दुगनी शानदार है। तो ऐसी सब्ज़ी अगर जो लोग नहीं भी पसंद करते हैं वो लोग खाएंगे तो उन्हें भी ज़रूर पसंद आएगी, इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और भंडारे में जो कद्दू की सब्ज़ी मिलती है दोस्तों वो भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार की जाती है, तो आप इसे ज़रूर घर पे बनाइएगा जिससे आपको भंडारे वाला स्वाद घर पर ही मिल जाएगा। तो आज मैंने भी घर पर पूरी बनाई है इसके साथ में कॉम्बिनेशन में। तो आज का मेरा लंच मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैंने लंच में बनाया है ये खट्टी मीठी चटपटी सी कद्दू की सब्ज़ी, साथ में सैलड रखा है और ये आम का छुंदा या आम की खट्टी मीठी चटनी मैंने आपके साथ में रेसिपी शेयर की थी वो भी रखी है, साथ में गर्मा गर्म पूरियाँ। अब इससे बेहतरीन लंच और क्या हो सकता है।
तो बस मैं तो गर्मा गर्म इसको खाने वाली हूँ। आप भी फटाफट से बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।